गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है इसमें अपन थोड़ा ट्रैवल करने वाले हैं। अपन साइड इस बार निकले हैं थोड़ा साउथ की तरफ इंडिया में। साउथ में एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं वो है चेन्नई। चेन्नई जा रहे हैं, थोड़ा काम है और उसके बाद आप लोगों को घुमाऊँगा, सारा दिखाऊँगा चेन्नई। तो अभी देखो टाइम हो रहा है 6:57 हो गया, अपनी 9:50 की अपनी फ्लाइट है। तो आई थिंक अपने को 8:30 बजे तक तो नहीं हो एयरपोर्ट पहुँच जाना चाहिए। और चिकन वगैरह कर दें, सामान को, सामान सारा पैक हो गया और बस अभी निकलते हैं। तो बैग पे नहीं ये लगाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है इस डोमेस्टिक फ्लाइट में, क्या एटलीस्ट खोले तो ना, फिर संभाल को ना निकाल लो। चलो तो ये लॉक हो गया बैग, अब रेडी छोटा सा बैग लिया, सारा सामान बना दिया, बस चाय। तो देखो अपने को अपना बोर्डिंग पास मिल गया, इसमें फ़्लाइट का नंबर लिखा है, आपका गेट नंबर लिखा है, आपका बोर्डिंग का जोन लिखी है, सीट नंबर लिखा है, हमारा सीट नंबर 10F है और ये बोर्डिंग का टाइम आ गया। बाकी इसमें यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स और हैं जो मैंने छुपा रहे हैं। इस टाइप का कुछ एयरपोर्ट का सीन है, देखो यहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट जनरली थोड़ा खाली रहता है। तो इस साइड तो आपका ये अराइवल सेक्शन है, ये आपका सिक्योरिटी सेक्शन है। आप जब अंदर आते हो तो आप यहाँ से किसी एक गेट में से आप अंदर आओगे, फिर आप अपनी देखोगे फ्लाइट, जैसे मेरी इंडिगो थी तो इंडिगो के काउंटर पे आप चले गए यहाँ पे जो इस साइड है, और नहीं तो दूसरे वाले जो काउंटर्स हैं वो इधर हैं, अलग अलग स्पाइस जेट के या गो फर्स्ट, गो एयर, इन सब के तरह। तो आपका जो चेक इन है वो आपने यहाँ दे दिया सिंपल, अपना जो आपका बैग है आपने अंदर दे दिया जो जिसका 15 kg या अलाउंस मिलता है, और केबिन बैग वगैरह लेके आप बाकी सारा यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर सिक्योरिटी अपनी क्लियर करोगे, सिक्योरिटी में आपको स्कैन करेंगे, आपकी चीज़ें स्कैन करेंगे जो आप फ्लाइट के अंदर लेके जा रहे हो साथ साथ आपके, फिर आप अपना बोर्डिंग पास दिखाओ के मतलब सर आपका यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपके जो बोर्डिंग गेट है, जैसे मेरा देखो यहाँ पे बोर्डिंग गेट है 02 जो कि सेकंड फ्लोर पे है, तो आप यहाँ से फिर ऊपर चले जाओ और जब आप बोर्डिंग स्टार्ट हो प्लेन में जाके बैठ के आप फ्री हो। तो मास्क वास्क पहनना ज़रूरी है देखो थोड़ा भी, और मुश्किल हो रखा है अभी कोविड का केसेस वापस बढ़ रहे हैं इस वजह से। वो देखो प्लेन एक पीछे जा रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो दिखेगा नहीं। चलो बाकी गेट पे जाता हूँ, बाकी फिर वहाँ से बात आता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे गेट है मेरा, गेट नंबर 2 वो दिख रहा था। तो ये अलग अलग गेट हैं, ये ऊपर वाली इनकी जो लॉबी है इसी में आप वेट के देर कर सकते हो। देखो ये जो दिख रहा है ये मेरा एयरक्राफ्ट खड़ा है, और ये जयपुर का रनवे देखो, ये ब्लैक कलर का ये अपना एयरक्राफ्ट खड़ा है जिसमें भी जाएंगे। बस 15-20 मिनट के अंदर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब तक वेट करता हूँ। फाइनली आ गए हैं होटल में, यह है 4 Sheraton, यही अपना रूम नंबर 312। बैग अंदर ले एक बार, बैग रखते तो यहाँ पे, और ये ऐसा कुछ रूम है, बाथरूम इनका सिर्फ ग्लास से सेपरेटेड है, मतलब जो नॉर्मल आजकल ये नया डिज़ाइन स्टार्ट हो गया इसमें सिर्फ एक ग्लास से सेपरेटेड है। और सबसे पहले वॉशरूम देख लेते हैं कैसा है, हमें छोटा वॉशरूम है, इधर ये सब है, फ्रिज वगैरह, कॉफ़ी वगैरह सेक्शन, छोटा डिसेंट सा रूम है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इधर टीवी लगा हुआ है, छोटा सा वर्क स्टेशन, एक सोफ़ा है, यहाँ से व्यू देखें तो ऐसा कुछ व्यू है चेन्नई का, अच्छा है व्यू भी। एक्चुअली ये जो उनकी मेन ये कोई एक रोड है, यहाँ पे सारे
सारे जितने भी होटल्स हैं ना, मैं देखा मैं रस्ते में सारे यहीं पे हैं, सारी जो फूड चेन्स वगैरह हैं वो भी इसी मेन रोड पे सारा है। क्लाउडी सा वेदर है, सही है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, 31-32 डिग्रीज के आसपास का टेम्परेचर है। तो चलो अभी आया हूँ, अब सुबह से कुछ खाया नहीं, अब लग रही है भूख बहुत तेज़, तो अभी पहले कुछ खाऊँगा, लंच करूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर देखता हूँ शाम को अगर कहीं जाऊँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। पर यही है कुछ चेन्नई का माहौल। सो जी गुड इवनिंग, एंड रात के अभी 9 बज गए हैं वैसे, ऑनेस्टली गुड इवनिंग तो नहीं है। मैंने आप लोगों को दिन में जब लास्ट मैंने शॉट दिखाया था उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि कहीं बाहर जाऊंगा तो पक्का दिखाऊंगा, पर मैंने ये भी बोला था कि मैं अगर गया तो, पर ये है कि फिर सो गया, थक गया बहुत ज़्यादा, सोया नहीं था पिछली रात को भी क्योंकि सुबह फ्लाइट भी थोड़ी जल्दी थी। तो बस अभी डिनर करके आया, मैंने आपको डिनर का दिखाया, काफ़ी अच्छी वेराइटी है यहाँ पर डिनर की, काफ़ी मतलब सारी दोनों जो अपने टाइप के फूड्स होते हैं मतलब वेज नॉन वेज में काफ़ी वैरायटी थी और खाना अच्छा था काफ़ी। बस बाकी अब सोने की तैयारी है, कहीं गया नहीं आज तो, अब आज रेस्ट करूँगा, बाकी कल देखता हूँ, कल जाने का है, कल काम जिन मेन जो काम के लिए आए हैं यहाँ पे चेन्नई पहुँचे हैं तो वो काम भी कल ख़त्म करना है, और उसमें भी कल और परसों 2 दिन लग सकते हैं, वहाँ पे लोकेशन भी मैंने सुना अच्छी है। तो बाकी अब वीडियो जो है उसको कल के वीडियो में उसको डालेंगे, कवर करेंगे उन चीज़ों को, और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्या चेंज करना चाहिए या जो भी चीज़ है, तो आप लोग जानते ही हो बाकी। तो चलो बाय बाय गाइस, एंड आई विल सी यू डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो।